Assalamu alaikum dear students, our today's lecture is lecture number 13, that is about unit number 9, air. Okay, today we will discuss wind. What is wind? When air moves, things happen. यानी कि जब हवा चलती है तो बहुत से काम होते हैं. लीव्स रसल, विंडमिल्स मूव, बोट सेल एंड काइट फ्लाई. ठीक है, यानी कि पत्ते हिलते हैं, हमारी विंडमिल्स चलती हैं, कश्तियाँ चलती हैं और फिर हम पतंग उड़ा सकते हैं. तो ये तमाम काम किस वजह से होते हैं? एयर की वजह से. और वो एयर कौन सी है? मूविंग एयर. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. तो ये जो मूविंग एयर होती है ये विंड होती है. ठीक है, एयर जो है वो उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं एट अ वेरी लो लेवल. ठीक है, यानी कि वो हमें सिर्फ हर जगह फील होगी कि यहाँ पे कुछ है. जैसे कि आप अगर अपनी कबर्ड में देखें, उसको खोलें तो आपको उसके अंदर भी डस्ट नज़र आएगी. वो डस्ट वहाँ तक कैसे गई? एयर के थ्रू. ठीक है, तो एयर जो है वो हर जगह है, लेकिन विंड जो है वो उसको हम ईजीली फील कर सकते हैं क्योंकि वो बाकी चीज़ों को मूव करती है. ठीक है, तो जब भी चीज़ों की मूवमेंट हो रही हो, फॉर एग्जांपल लीव्स मूव कर रहे हों, काइट्स फ्लाई, पतंग उड़ रही हो, इसी तरह तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विंड है. ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. सो हमें एयर और विंड में डिफरेंस पता चल गया कि एयर जो है वो हर जगह होती है लेकिन विंड हर जगह नहीं होती. जब एयर स्पीडली जो है वो मूव करती है तो वो विंड बन जाती है. ठीक है, जिससे हमारे बहुत से काम होते हैं. So let's start our lesson with the pronunciation of difficult words. Number one is wind. Wind. Number two is anemometer. Anemometer. Number three is Beaufort scale. Beaufort scale. Number four, direction. Direction. Number five, wind vane. Wind vane. Number six, weathercock. Weathercock. Number seven, supports. Supports. Number eight, instruments. Instruments. Number 9, useful. Useful. Number 10, electricity. Electricity. ऐसा क्वेश्चन है, why does air move? एयर मूव क्यों करती है? तो उसका आंसर हमारे पास ये है कि गर्म हवा लाइट होती है और ठंडी हवा भारी. ठीक है, तो जब गर्म हवा लाइट होने के सबब ऊपर जाती है तो उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है जो कि भारी है और वो सतह पे ही रहती है. तो यूँ जब एक स्टेप गर्म हवा जाएगी उसकी जगह ठंडी हवा आएगी. तो ये प्रोसीजर जब बार बार होता है तो तब हमें एयर मूवमेंट महसूस होती है कि हवा जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जैसे हॉट एयर बलून्स होते हैं तो वो कैसे वो ब्लो करते हैं, वो कैसे जो है हवा में उड़ सकते हैं कि उनके जो है वहाँ पे बर्नर लगा होता है जो हवा को गर्म करता है और जैसे ही उनमें मौजूद हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है. ठीक है, इस वजह से वो एयर बलून हवा में उड़ना शुरू कर देता है, वो आसमान तक पहुँच जाता है. लेकिन जब हमने इसको नीचे लाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वो बर्नर बंद कर देते हैं जिसकी उसकी हवा जो है वो ठंडी हो जाती है. ठंडी होकर जब वो हवा भारी होती है तो वो अपने आप ज़मीन की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ आने लगती है और एट लास्ट जो है वो बलून, एयर बलून जो है वो ज़मीन पर आ जाएगा. ठीक है, तो यूँ एयर मूवमेंट किसकी मदद से पॉसिबल होती है? एयर मूवमेंट जमीन हवा के गर्म और ठंडा होने के की वजह से पॉसिबल होती है. जी आगे हमारे पास है विंड हैज टू मेन फीचर्स. ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि विंड क्या होती है. मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ये किस तरह से काम करती है? तो विंड हैज टू मेन फीचर्स. नंबर वन इज स्पीड एंड नंबर टू इज डायरेक्शन. डायरेक्शन. ठीक है, हम विंड को जज कर सकते हैं उसकी स्पीड से, हम फील कर सकते हैं विंड को उसकी स्पीड से कि जो है विंड की स्पीड हमें उसके बारे में एक अहम मालूमात देती है. विंड स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट अ थिंग मूव्स. ठीक है, स्पीड हमें क्या बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी तेज़ी से काम कर रही है, वो कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है. जिस तरह कार जो है वो कभी स्लो कभी फास्ट स्पीड में काम चलती है, अगर वो पोथोल रोड पे है यानी कि गढ़ों वाले पे तो फिर वो बहुत स्लो चलेगी, अगर वो स्मूथ वे हाईवे पे है तो बहुत तेज़ी से चलेगी. इसी तरह हवा भी जो है वो डिफरेंट स्पीड्स पे चलती है. ठीक है, और दिस कैन बी मेजर्ड इन टू वेज. और स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? दो तरीकों से.
नंबर वन इज एनेमोमीटर एंड द अदर इज बेफर स्केल. ठीक है, एनेमोमीटर क्या है? एंड एनेमोमीटर इज अ डिफिकल्ट नेम फॉर अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इवन यू कैन मेक. ठीक है, यानी कि ये बहुत एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो है थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, अब एनेमोमीटर क्या करता है, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे टू रोटेटिंग स्टिक्स हैं. ठीक है, जिनके एंड्स पे हमने कप्स लगा दिए हैं. जैसे ही हवा में फिल होती है तो ये रोटेटिंग स्टिक्स रोटेट करती हैं, और जितनी स्पीड से हवा चलेगी ये उतनी ही स्पीड से रोटेट होंगी. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा की स्पीड कैसी है. अगर तो ये बहुत स्पीडली मूव करेंगी, फास्ट मूव करेंगी, इट मीन्स एयर स्पीड इज़ हाई. ठीक है, और अगर ये बहुत मतलब आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगी, रोटेट करेंगी, तो इट मीन्स कि एयर स्पीड इज़ लो. ठीक है, वो बहुत आहिस्ता है. नेक्स्ट है बेफर स्केल. द बेफर स्केल इज आल्सो यूज्ड टू टेल विंड स्पीड. अब बेफर स्केल का काम भी विंड स्पीड बताना है, लेकिन इसका मेथड डिफरेंट है. ठीक है, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक स्केल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है. स्केल में क्या होता है कि वहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे इस स्केल में 0 to 12 डिजिट्स होते हैं. ठीक है, और ये डिजिट्स आपको बताएंगे मतलब जहाँ तक जिस लेवल तक हवा जाएगी वहाँ तक वो डिजिट आपको बताएगा कि हवा की स्पीड ज़्यादा है या कम. जैसा कि इट हैज़ नंबर्स फ्रॉम 0 to 12 फॉर द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव लीव्स इस लेवल 3 ऑन द स्केल. यानी कि ऐसी हवा जो कि हमारे पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को हिलाती है, तो वहाँ पे हवा के जो विंड मूवमेंट का जो लेवल है वो 3 होता है. ठीक है, तो यहीं से आप इमेजिन करें कि जब हवा बहुत तूफ़ानी हवा आती है, तूफ़ानी हवाएँ चलती हैं, तो वहाँ पर उनका लेवल क्या होगा. ठीक है, तो यूँ हम इस स्केल की मदद से भी हवा की स्पीड को मेजर कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्शन. जैसा कि हमने बताया कि एयर एक ऐसा मैटर है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं. और हम किस तरह से फील करते हैं? दो फीचर्स के थ्रू, एक उसकी स्पीड से और एक उसकी डायरेक्शन से. डायरेक्शन रेफर्स टू विच वे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. डायरेक्शन हमें क्या बताती है कि कोई भी जो चीज़ है वो किस वे में मूव कर रही है. ठीक है, जिस तरह एक कार साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इस तरह हवा भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. और हवा की डायरेक्शन मालूम करने के लिए अ विंड वेन और वेदर को इज अ पॉपुलर वे. ठीक है, जो कि डायरेक्शन बताता है. तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम हवा की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं उसका नाम विंड वेन या वेदर कोक है. जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, दैट इज़ अ विंड वेन और वेदर कोक. ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इस पिलर पे दो रोटेटिंग स्टिक्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ. ठीक है, इसके ऊपर ये जो आपके एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे जो कोक बना हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि जब हवा, ये रोटेटिंग स्टिक होती है जो रोटेट करती है. ठीक है, जैसे ही हवा की डायरेक्शन नॉर्थ में जाएगी तो ये मूव करता हुआ नॉर्थ में आ जाएगा. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी बताएगा. यानी कि अगर ये वेदर कोक, अगर ये इंस्ट्रूमेंट फ्रीली और स्पीडली मूव कर रहा है, इट मीन्स के हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर ये इसका हेड होगा उस तरफ वो डायरेक्शन हम आसानी से पता लगा सकते हैं. तो अब यहाँ पे इस पिक्चर में अगर हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ में है. ठीक है, अगर इस तरफ जाएगा तो वो नॉर्थ में होगी, अगर वो उससे उस तरफ जाएगा तो वो ईस्ट में होगी, अगर इस तरफ वो होगा तो फिर ये वेस्ट में होगी. यूँ इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये हवा किस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ एयर, हवा के इस्तेमाल, कि हम इसको हवा को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. एयर सपोर्ट्स लाइफ, जैसे कि इसका पहला काम ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है. प्लांट्स जो है हम इसकी मदद से फूड बनाते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन एयर, और इसके अलावा लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं. तो इसके अलावा भी कुछ यूजेस ऐसे हैं जो हम आम अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं. सम अदर यूजेस ऑफ विंड आर, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज इन मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, यानी कि जब हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे होल्स होते हैं, जब हम उन होल्स में साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस आवाज़ से, उस हवा की मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उस मदद से हम वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं. फिर इट फील्स अप थिंग्स एंड मेक दैम यूजफुल, जैसे अगर हम गाड़ी के, साइकिल के, मोटर बाइक के व्हील्स में अगर हवा को भर देते हैं तो फिर ये चलने लगते हैं. ये गाड़ी को चलाना इनके लिए, हमारे लिए गाड़ी को चलाना आसान हो जाता है. इसकी मदद से ही व्हील काम करते हैं. फिर विंड जो है वो पतंग, इसकी मदद से हम पतंग उड़ा सकते हैं हवा में. ठीक है, इसके अलावा इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. ये जो आपको विंड मिल नज़र आ रही है, ठीक है, ये
जब हवा तेज़ हवा चलती है तो ये विंड मिल्स मूव करती हैं, और इनके मूव करने से इनके साथ हमने जनरेटर्स लगाए होते हैं फिर जहाँ से बिजली पैदा होती है। तो इस तरह से हवा जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत से कामों में बहुत से तरीक़ों से हमारी हेल्प करती है और हमारे बहुत से कामों को आसान और मुमकिन बनाती है। यूँ हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। आपने इसका बुक वर्क करना है, ठीक है। आप इस रीडिंग को रीडिंग के थ्रू एक तमाम जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कॉलम्स सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उनके यूजेस लिखने होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नोट्स के थ्रू आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।